नागरिकता संशोधन कानून, अर्थव्यवस्था की सुस्त रफ्तार, बढ़ती बेरोजगारी और किसानों की समस्या जैसे कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गई है। इस क्रम में कांग्रेस आज दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत बचाओ रैली का आयोजन कर रही है। इस रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम देश को बचाना चाहते हैं, ये देश प्रेम और भाईचारे का है, यह देश स्वतंत्रता संग्राम से बना है, सबको समानता देने वाला देश है, यह देश प्रेम और भाईचारे का है, समानता और स्वाभिमान देने वाला देश है। उन्होंने आगे कहा कि हर जगह आज लिखा मिलता है कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मैं कहती हूँ बीजेपी है तो ऐसे कानून बन रहे हैं जिससे देश का संविधान खतरे में है। बीजेपी है तो प्याज 100 रुपए किलो मुमकिन है, बीजेपी है तो बेरोजगारी मुमकिन है। आज देश की अर्थव्यवस्था पाताल में पहुंच गई है। प्रियंका ने आगे कहा कि संविधान नष्ट हो जाएगा, देश बट जाएगा, देश प्यारा है तो आज देश की आवाज बनो। उन्होंने कहा कि यह देश हमारा है, इसे विनाश से बचाना हमारा कर्तव्य है। आज न्याय के खिलाफ नहीं लड़ेगा वो इतिहास में कार कहलाएगा। उन्नाव रेप केस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्नाव की बेटी हार गई। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था एक ऐसी दर से विकास कर रही थी कि दुनिया ने उनका ध्यान हमारी ओर मोड़ दिया, लेकिन मोदी शासन के 6 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है, लोग नौकरियां खो रहे हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं। प्रियंका ने कहा हर बस स्टॉप, हर अखबार पे दिखता है मोदी है तो मुमकिन है, असलियत यह है कि बीजेपी है तो 100 रुपए किलो प्याज है, बीजेपी है तो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मुमकिन है, बीजेपी है तो 4 करोड़ नौकरियां नष्ट होना मुमकिन है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भारत बचाओ रैली में कहा कि 6 महीने में मोदी सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, फिर भी मंत्री को कुछ नहीं पता है। कल वित्त मंत्री ने कहा कि सब कुछ ठीक है, हम दुनिया में शीर्ष पर हैं, केवल एक चीज जो उन्हें नहीं कही वह है अच्छे दिन आने वाले हैं। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत बचाओ रैली शुरू हो गई है। इस रैली का उद्देश्य भाजपा सरकार की विभाजनकारी नीतियों को उजागर करना है। पार्टी के बड़े नेता रैली को संबोधित कर मोदी सरकार की नाकामियों और देश के नागरिकों को बांटने के कथित प्रयासों को उजागर करेंगे। एक ऐसी सरकार और विचारधारा का साया छाया है जिसके जरिए न समानता का अधिकार बचा है, न एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी भविष्य का। कुछ सालों पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऐसी गति से बढ़ रही थी कि दुनिया हमारे तरफ देखने लगी। ये कहा जाता था कि चीन की तरह हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था भी इतनी तेजी गति से बढ़ रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था भी विश्व की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तरह मजबूत बन रही थी। विदेशी पूंजी भारत में आने लगी, हमारे उद्योग मजबूत बने, मनरेगा जैसी ग्रामीण योजनाओं के जरिए रोजगार बने। लेकिन आज भाजपा के 6 सालों के राज के बाद स्थिति ये बन गई है कि रोजगार बढ़ने के बजाय घट रहे हैं, जीडीपी पाताल पर आकर आ गई है, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कार, मोटरसाइकिल, टीवी, फ्रिज, बिस्कुट, कपड़े, सब कारखानों का काम घट रहा है, छोटा व्यापारी असफल जीएसटी से जूझ रहा है, एक तरफ आपसे काम छीना जा रहा है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती चली जा रही है। हर बस स्टॉप पे, हर अखबार में, हर टीवी के चैनल पे भाजपा के इश्तेहार में आपको लिखा क्या दिखता है? मोदी है तो मुमकिन है। असलियत ये है बहनों और भाइयों कि भाजपा है तो 100 रुपए की किलो की प्याज मुमकिन है, भाजपा है तो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मुमकिन है, भाजपा है तो 4 करोड़ नौकरियां नष्ट होना, भाजपा है तो 15,000 किसानों की आत्महत्या, भाजपा है तो हमारे नवरत्न कंपनियां की बिक्री,
भाजपा है तो भारतीय रेलवे और एयरपोर्ट की बिक्री, भाजपा है तो कानून बन रहे हैं जो हमारे संविधान के खिलाफ हैं, ऐसे कानून जिनकी विभाजनकारी नीयत से देश का संविधान खतरे में है। मैं आज आप सब से कहना चाहती हूँ जो यहाँ इस रैली में उपस्थित हैं, जो अपने घरों में बैठकर टीवी पर देख रहे हैं, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक, जहां तक मेरी आवाज पहुंच सकती है, देश के कोने कोने में बसे अपने देश के एक एक नागरिक से मैं कहना चाहती हूं, अपनी आवाज उठाइए, ये देश आपका आपको प्यारा है तो आप सब देश की आवाज बनो। आज अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम इन परिस्थितियों को देखते हुए भी भय और झूठे प्रचार के अंधकार में दबे रहेंगे, अगर हम चुप रहेंगे तो हमारे देखते देखते बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया हमारा क्रांतिकारी संविधान नष्ट हो जाएगा, हमारे देखते देखते इस देश का विभाजन शुरू हो जाएगा और हम इस गुनाह के उतने ही दोषी होंगे जितने भाजपा और आरएसएस के झूठे अहंकारी और भ्रष्ट नेता हैं। कुछ दिनों पहले मैं अवध के एक किसान के घर गई, शायद उनकी उम्र मेरे पिता की उम्र से थोड़ी ही कम थी। अपने जीवन काल में उन्होंने संघर्ष ही संघर्ष देखा, किसानी के साथ साथ लोहार का काम करते थे। नोटबंदी के बाद उनका ये काम बंद हो चुका, उनकी 5 बेटियां थी, 1 बेटा। नोटबंदी के बाद बेटा मजबूर हुआ, उसे उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ा, दूसरे प्रदेश में नौकरी ढूंढने के लिए गया। इन्हीं परिस्थितियों में इस किसान ने अपनी 3 बेटियों का विवाह कराया। अब उसके घर में 2 बेटियां और उसकी बहू, 2 पोतियां रहती थी। तभी उसकी एक बेटी का बलात्कार हुआ, अपराधी प्रधान का बेटा था, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। यह लड़की हिम्मत नहीं हारी, हर रोज बगैर अपने पिता के मदद लेते ट्रेन में बैठकर अगले जिले में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कचहरी जाती। यहां पर उसके गांव में प्रधान और उनके परिवार के लोगों ने बेरहमी से उसके पिता को पीटा, उसके खेत जला डाले, उसकी 9 साल की भाभी की बेटी को भयंकर तरह से धमकाया, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी। इंसाफ की आस में एक सुबह उठकर अपने घर से अदालत जा रही थी, जब अपराधियों ने उसे पकड़ा और बीच सड़क में उसे जला डाला। जलते हुए वे साहसी लड़की 1 किलोमीटर भागी और अंत में हार कर गिर गई। उनके घर में बैठे हुए मैं उस लड़की की भाभी से ये दास्तां सुन रही थी, जब उसके पिता ने अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपाकर उसके पिता रोने लगे। आज जिस दौर से हमारा देश गुजर रहा है, चारों तरफ अन्याय है, महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं तो अपराधियों की रक्षा होती है, गरीबों पर मुसीबतें लादी जाती हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए जाते हैं, ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिससे लाखों नागरिक बंदी की तरह रखे जाते हैं। आज अन्याय के खिलाफ जो नहीं लड़ेगा
वे इतिहास में कायर कहलाएगा। इस देश को बचाना है तो बहनों और भाइयों मन बना लो, इस देश की मिट्टी प्यारी है तो साहस बांधो। भारत देश की रखवाली करना, इसमें स्वतंत्रता, समानता और स्वाभिमान का एक हक बरकरार रखना, इस देश के प्रति हम सब की जिम्मेदारी है। महिला कांग्रेस सेवा दल, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मुकुल वासनिक जी, कहां हैं आप? आपने आज इस छोटे से मैदान में इतने सारे बब्बर शेर और शेरनियां कैसे इकट्ठा कर दिए? और देखिए, एक साथ प्यार से खड़े हैं। यह हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता, किसी से नहीं डरता, एक इंच पीछे नहीं हटता और देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। अच्छा, मुझे कहा पार्लियामेंट में कल, कहा राहुल जी, सुनिए पार्लियामेंट में कल कहा बीजेपी के लोगों ने, आपने भाषण दिया, भाषण के लिए माफी दीजिए। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगूं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है, नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है, और उनके जो असिस्टेंट हैं अमित शाह, उनको देश से माफी मांगनी है। क्यों मांगनी है मैं आज आपको बताने आया हूं। सबसे पहले ये देश की शक्ति, इस देश की आत्मा, इस देश की शक्ति इसकी अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था है नहीं थी। पूरी दुनिया हमारी ओर देखती थी, कहती थी ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, ये देश अलग अलग धर्मों का देश, अलग अलग जातियों का देश, अलग अलग विचारधाराओं का देश मिलकर एक साथ 9% GDP पर कैसे चल रहा है। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ हिंदुस्तान। चिंडिया बोलते थे, चिंडिया, चाइना और इंडिया, दुनिया का भविष्य चाइना और इंडिया। और ये देखिए, ये प्याज पकड़े हुए हैं आज, ये प्याज पकड़े हुए हैं आज 200 रुपए। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी ने स्वयं अकेले नष्ट कर दी, खत्म कर दी। आपको याद होगा, 8 बजे रात को टीवी पर आए, भाई और बहनों, 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट मैं रद्द करने जा रहा हूं, और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने ऐसी चोट मारी कि आज तक जो नुकसान हुआ वो ठीक नहीं हुआ। आपसे झूठ कहा,
आपसे झूठ कहा कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, काले धन को खत्म करना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, झूठ कहा। माताएं बहनों के घरों से, जेब से, युवाओं के जेब से पैसा निकाला और लाखों करोड़ रुपए अडानी और अनिल अंबानी के हवाले किए। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स, मनमोहन सिंह जी ने कहा, चिदंबरम जी ने उनसे कहा, इसको आप बिना पायलट प्रोजेक्ट मत लागू कीजिए, देश का नुकसान हो जाएगा। जो हमने बनाया है पूरे देश ने प्यार से, खून पसीने से अर्थव्यवस्था खड़ी की है, नष्ट हो जाएगी। नरेंद्र मोदी कहते नहीं, मैं तो 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स लागू करके ही दिखाऊंगा। कर दिया। और हुआ क्या, 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज। क्या 9% जीडीपी ग्रोथ रेट होती थी, आज 4% पे पहुंच गए हैं। और वो भी उन्होंने जीडीपी नापने का तरीका बदला, जीडीपी नापने का तरीका बदल दिया। तो अगर आप हमारे तरीके से, पुराने तरीके से जीडीपी नापो तो आज 2.5% जीडीपी ग्रोथ रेट है हिंदुस्तान का। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के सब दुश्मन, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर हिंदुस्तान के सब दुश्मन चाहते हैं और चाहते थे कि हिंदुस्तान की शक्ति, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट की जाए। और वो काम दुश्मनों ने नहीं किया, वो काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। और फिर अपने आप को प्रधानमंत्री देशभक्त कहते हैं। पूरा का पूरा पैसा, 2-3 उद्योगपतियों को पकड़ा दिया है, सब उद्योगपतियों को नहीं। इस देश में बहुत सारे ईमानदार उद्योगपति हैं और मैं इस बात को मानता हूं कि अगर किसान इस देश को बनाता है, मजदूर इस देश को बनाता है, छोटा दुकानदार इस देश को बनाता है, तो ईमानदार उद्योगपति भी इस देश को बनाता है। मगर पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने, मैं एक नाम लेता हूं, पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने अदानी को 50 कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। देश के एयरपोर्ट पकड़ा दिए, देश के पोर्ट्स पकड़ा दिए, बिना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। क्यों दिया, इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप चोरी नहीं कहेंगे, इसको आप भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे इसको। और फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बेतादाद फैल रही। मैं हरियाणा से हूं, हरियाणा में 2012 में जो बेरोजगारी का दर था 2.8 था और आज वो बढ़कर देश में सबसे ज्यादा 28% हो गया। तो आज बेरोजगारी इस दर पे पहुंच गई। सम्मिलित सभी हमारे JBD बैंकवेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंकवेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंकवेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।